हेलो हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक मॉडल के बारे में बात करेंगे जिस मॉडल का टाइटल है ऑस्कुट एंड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, मैसेज, डिकोडर, इंटरप्रेटर, इनकोडर और मैसेज। ये डायग्राम ही खुद में एक बहुत ही खुद में बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। पहला तो ये एक्सप्लेन कर रही है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर मॉडल। आप देख सकते हैं ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये रोटेट हो रहा है। एक टाइम पे इनकोडर जो है मैसेज को डिकोड कर रहा है, उसी टाइम पे वही डिकोडर इनकोडर बनकर मैसेज को डिकोड कर रहा है। यानी कि ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। यानी जहां दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वहां पर ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं। ओके, तो समझते हैं हम उसको। मैं अच्छे से समझाऊंगी इसके बारे में। मैं बता दूं कि ये पेपर वन और पेपर टू यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बैचलर्स के लिए में भी ये ऑस्गुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है, मास्टर्स में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और बहुत ही सिंपल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेरी सिंपल। देख सकते हैं कंपोनेंट्स बहुत हैं, इनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, डिकोडर, इंटरप्रेटर, इनकोडर और मैसेजेस, ठीक है। चलिए, अब इस डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ल्स ई ऑस्गुड बेसिकली कौन थे। तो इनका पूरा नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, चार्ल्स इगर्टन ऑस्गुड। ही वॉज नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन बिहेवियरिज्म वर्सेस कॉग्निटिज्म, सिमनेटिक्स, क्रॉस कल्चरलिज्म एंड पीस स्टडीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बिहेवियरलिज्म वर्सेस कॉग्निटिज्म, सिमनेटिक्स, क्रॉस कल्चरलिज्म एंड पीस स्टडीज। ये सारी चीज़ों के ये कह सकते हैं कि रिसर्च किया है उन्होंने। ही वॉज अ रिसर्च स्कॉलर और उन्होंने इन तमाम एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, इन तमाम चीज़ों पर, एक मीडिया स्कॉलर होने के नाते, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च किया है। विल्बर स्क्रैम जो है उन्होंने इस मॉडल में अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। जब ये मॉडल कंप्लीट हो गया था ऑस्गुड ने, तब उन्होंने भी अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो इसीलिए पहले तो जनरली इसको ऑस्गुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता था, बट सिंस उन्होंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ऑस्गुड एंड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी इसको हम कह सकते हैं। और स्क्रैम वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन 1935, ही फाउंड मैगजीन कॉल्ड अमेरिकन प्रीफेसेस। आगे बढ़ते हैं हम, इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने बता दी है, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ ये समझते हैं कि ही वॉज नोन, अच्छा विल्बर स्क्रैम के बारे में, ही वॉज नोन फॉर हिज 1964 बुक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन कंजंक्शन विथ यूनेस्को, ठीक है। उन्होंने एक किताब को भी पब्लिश किया था, मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ऑस्गुड एंड स्क्रैम मॉडल इज अबाउट टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अ टू वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। Osgood popularized the statement that communication is circular rather than linear, which requires sender and receiver for sharing their information. जैसे कि ये डायग्राम ही अपने आप में बता रहा है कि एक सर्कुलर मॉडल है, और जैसा कि सर्कुलर मॉडल होने के नाते कि एक इंटरैक्टिव है, यानी कि इनकोडर, जैसे कि मैं इनकोडर हूँ, मेरे पास इनकोडर कौन हुए, एक सेंडर हुए, ठीक है, यानी कि जिसने मैसेज को इनकोड किया, जिसके पास एक मैसेज है, जिसके पास एक संदेश है और उन्होंने दूसरे को भेजा, जो कि सेंडर को हम यहाँ डिकोडर करेंगे, यानी कि ये जो है ये सेंडर है और इसके पास एक मैसेज है और डिकोडर कौन है, रिसीवर है, ठीक है। तो रिसीवर ने उसके सेंडर के मैसेज को इंटरप्रेट किया, जिसने भी कुछ भी बोला, कोई अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसको इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करने के बाद अपने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू उसने ऐड किए, और ऐड करने के बाद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने इंटरप्रिटेशन, अपने मीनिंग्स लगाकर उसने फिर क्या किया, सेंडर को मैसेज फिर अपने अपने हिसाब से उसी मैसेज में अपनी चीजें ऐड करके उसने वो मैसेज को वापस से इनके पास भेजा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन का एक डायलॉग चलते जा रहा है,
इट इज लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ फ्लो, ये चल रहा है. वो अपने फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक से फिर वो कुछ मैसेज निकल रहा है. यहाँ मैसेज में मैंने फीडबैक भी लिखा है, तो फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक से कुछ मैसेज निकल रहा है और मैसेज फिर बाद में कहीं ना कहीं सर्क्यूलर होता जा रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या है, सर्क्यूलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है. और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट इन दिस मॉडल एंड इट इज एन इंटरैक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स एक्सचेंज एंड शेयर देयर आइडियाज विद ईच अदर. बोथ सेंडर एंड रिसीवर इक्वली पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. दोनों इक्वली कम्युनिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब इसमें मेरिट क्या है, अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे दैट वाज ऑल लीनियर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप याद रखेंगे लैसवेल का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड था, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहा था. बट दिस मॉडल इज ऑल अबाउट अ कंप्लीट सर्क्यूलर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसके कुछ मेरिट्स हैं. इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स है कि इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, यानी कि डायनामिक कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार मैसेज का इनकोडिंग और डिकोडिंग चलता जा रहा है. सेकेंड इज इट इज़ इंटरैक्टिव, क्योंकि सामने वाला फीडबैक दे रहा है और फीडबैक के बाद वो अपनी मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है. मल्टीलिनियर है, ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद मैसेजेस हैं, फीडबैक है. सर्कुलर है, एज इट इज ऑलरेडी यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि वो सर्कुलर है. फीडबैक है, मैंने पहले ही बताया. और उसके साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस डिस्कशन. अगर दो लोग के बीच में कोई सीरियस डिस्कशन है तो सामने वाला आदमी अगर इसके मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है, तुरंत फीडबैक दे रहा है, तो इट इज वेरी लाइक टू वे कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इट इज वेरी इफेक्टिव. और अगेन यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने मेंशन किया, यानी कि दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है. इसमें डीमेरिट्स भी है. डिमेरिट्स ये है कि इसमें कोई नॉइज और कोई बैरियर का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया है, जबकि नॉइज और बैरियर किसी भी कम्युनिकेशन के फ्लो में जरूर होता है, वो सेमनाटिक नॉइज हो या नॉन सेमनाटिक नॉइज हो, बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है. सेकेंड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑलवेज सेम. कोई भी अंडरस्टैंडिंग जो है सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग से जरूरी नहीं है कि वो इनकोडर और डिकोडर मैच करे. दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने परसेप्शन है, उसके बारे में भी कहीं मेंशन नहीं है. और फैक्टर्स लाइक मूड परसेप्शन, ओकेजन, मूड परसेप्शन, इफेक्ट, इनके बारे में भी कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस वे वी कैन से दैट इट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूजीसी नेट.